तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच काफी अनबन चल रही है। सीट शेयरिंग की बातों में जो बाधाएं आई हैं उसके तीन कारण हैं और वो तीनों अधीर रंजन चौधरी हैं। जिस तरह की सीट शेयरिंग कांग्रेस के नेता चाह रहे थे वो करने से बीजेपी का फायदा हो, तो अलायंस तो रहेगा पर सीट शेयरिंग में कोई सहमति नहीं हो पाई। अधीर रंजन चौधरी जी के साथ जो इश्यूज हैं, कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ रेज करने की कोशिश की गई थी पार्टी की तरफ से, एक बार नहीं बार बार 370 पे पहुंचना बीजेपी के लिए नामुमकिन। ये एक मानसिक युद्ध है लोगों को डराने के लिए और फ्लोटिंग वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सुष्मिता जी नमस्कार। क्विंट और क्विंट हिंदी पर आपका नमस्कार। स्वागत है, हमारे शो बड़ी बड़ी बातें पर आपका स्वागत है। बड़ी बड़ी बातें काफी ज्यादा हो रही हैं इंडिया अलायंस को लेकर। सबसे पहले तो आपके हिसाब से, मैं ये सवाल मैं हर अपने गेस्ट से पूछता हूँ, आपके हिसाब से बड़ी बड़ी बातें इस टर्म का क्या मतलब है आज की राजनीति में? देखिए, बड़ी बड़ी बातें दो तरह का इशारा करती है। एक तो कि जो हम कहते हैं फेंकना, हम फेंकू गवर्नमेंट बोलते हैं बीजेपी के गवर्नमेंट को, और बड़ी बड़ी बातों से ये भी हो सकता है कि एक परिवर्तन का सपना। आपके हिसाब से कौन देख रहे हैं परिवर्तन का सपना और कौन कर रहे हैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें? देखिए, अः जब भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो 370 पे जाएंगे, तो सिर्फ मामूली आंकड़ों को देखने से ये तय हो जाता है, अगर उसका हम विश्लेषण करें, कि 370 पे पहुंचना बीजेपी के लिए नामुमकिन है। तो ये एक मानसिक युद्ध है लोगों को डराने के लिए और फ्लोटिंग वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और इतिहास गवाह है कि जब राजीव जी 400 पार करके सदन में बैठे थे, तब दक्षिण और उत्तर पूर्व और आपको लगता है वेस्ट, सबको मिलाकर वो 400 पार हुए थे, जो बीजेपी के लिए बिल्कुल ही संभव नहीं है। संभवता की अगर बात करें, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच काफी अनबन चल रही है। परसों राहुल गांधी जी का एक बयान आया कि ममता बनर्जी इज स्टिल वेरी मच अ पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। ममता बनर्जी अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, क्या ये सच है? ममता दीदी ने ये कहीं नहीं कहा कि मैं अलायंस छोड़ रही हूं। उन्होंने बार बार ये कहा कि बंगाल में अगर सीट शेयरिंग करना है बीजेपी को हराने के लिए, तो फिर तृणमूल कांग्रेस को 42 सीटों पे लड़ना चाहिए। और ये बात भी सच है कि कांग्रेस के पास दो सिटिंग एमपीज हैं बंगाल में, और आपको पता है कि किस तरह के बयानबाजी और मंतव्य की वजह से बात यहाँ तक आई, क्योंकि अलायंस में ममता दीदी क्यों है, मैं ये आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि बीजेपी के साथ जो लड़ाई ममता दीदी ने 2021 में विधानसभा के चुनाव में किया या 2019 में लोकसभा के चुनाव में किया, ये बिल्कुल देश के सामने स्पष्ट रूप से मेरा लगता है कि स्पष्ट रूप से उनको पता है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से हमेशा थी, है और 24 में भी रहेगी। और इस लड़ाई में अगर कोई ज्यादा ताकतवर पार्टी है तो वो पार्टी बंगाल में तृणमूल है। तो अलायंस, जो भी अलायंस बीजेपी की सरकार को गिराने के लिए आ, आ, सेंटर में बनेगी, उसके साथ ममता दीदी थी, हैं और रहेंगी। सीट शेयरिंग की अगर एक बात करें, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कहाँ अनबन शुरू हुई, कांग्रेस की तरफ से क्या मांग थी और कहाँ एक बोन ऑफ कंटेंशन पैदा हुआ? देखिए, सीट शेयरिंग का मामला एक क्लोज डोर डिस्कशन होता है, इसलिए मैं सिर्फ आपके दर्शकों को समझाने के लिए ये कहना चाहूंगी कि सीट शेयरिंग के लिए हमने दो या तीन क्राइटेरिया दिया था जिसके बेसिस पे सीट शेयरिंग होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये था कि
21 के विधानसभा चुनाव में और 19 के लोकसभा चुनाव में किसका कितना वोट शेयर था, और अगर तब और अब में कोई ऐसा परिवर्तन आया हो परिस्थिति में, उसको भी सामने रखते हुए सीट शेयरिंग होना चाहिए। तो इन इन दो या तीन क्राइटेरियाज को सामने रखते हुए जिस संख्या पर हमने तय किया था कांग्रेस को लड़ना चाहिए, उस संख्या के साथ कांग्रेस के बंगाल यूनिट की सहमति नहीं थी। अगर हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है तो उसमें ये नहीं आना चाहिए कि कांग्रेस को बचाने के लिए कांग्रेस क्या करना चाहती है, जो बंगाल के लीडर्स हैं। उस संख्या को हमने कांग्रेस पार्टी के सामने रखा था, जिसको बंगाल के लीडर्स जो हैं कांग्रेस के, उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था। इस वजह से सीट शेयरिंग करने से हम पीछे हट गए, क्योंकि जिस तरह की सीट शेयरिंग कांग्रेस के नेता चाह रहे थे, वो करने से बीजेपी का फायदा होता। क्या संख्या की मांग थी कांग्रेस की? देखिए, ये कुछ क्लोज डोर्स होते हैं, पर सिर्फ बात समझने वाली है, संख्या वो होनी चाहिए जिसको लेकर हम बीजेपी से लड़ सके, और बीजेपी का फायदा नहीं होना चाहिए। तो उसमें अगर सहमति नहीं है तो अलायंस तो रहेगा, पर सीट शेयरिंग में कोई सहमति नहीं हो पाई। ममता जी का भी ये बयान कुछ दिनों पहले आया था कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी। क्या इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और तृणमूल के बीच एक मुकाबला देखने को मिलेगा बंगाल में? विल द टीएमसी फील्ड कैंडिडेट्स वेयर द कांग्रेस सीपीआईएम अलायंस विल फील्ड द कैंडिडेट्स एज वेल? देखिए, आज की जो परिस्थिति है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साफ कह दिया है कि हम 42 सीट में लड़ने की हमारी तैयारी है और हम लड़ेंगे भी। पिछली बार कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में अलायंस हुआ था, 400 सीटों पे कांग्रेस सीपीएम लड़ी थी विधानसभा के चुनाव में, पर रिजल्ट क्या रहा आपने देखा, क्या वोट शेयर था? वो शून्य पे गई कांग्रेस, वो शून्य पे गई। तो सीधी सी बात है, सीट शेयरिंग से फायदा किसका होगा ये देखना जरूरी है। तो 42 सीटों पे अगर तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी, हमारा ये मानना है कि बीजेपी की हार होगी, और यही एक कारण है कि हम 42 सीटों पे लड़ना चाह रहे हैं। उस पे अगर कोई और सीट और लड़ना चाहे, चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, या कोई और भी पार्टी हो, लोकतंत्र में हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आप लड़ नहीं सकते। दो पार्टियों के बीच जो ये तनाव है, इसके लिए तृणमूल कांग्रेस किसको ज्यादा दोषी मानती है, कांग्रेस को या लेफ्ट को? क्योंकि लेफ्ट की तरफ से भी बहुत बयान आए हैं पिछले कुछ दिनों में। अलायंस, देखिए, अलायंस जो होता है सिर्फ मुंबई बंगलोर में बैठ के बंद कमरे में अलायंस तय हो सकता है, पर उस अलायंस को जमीनी तौर पे ग्रास रूट पे ले जाना पड़ता है, और उसके लिए वक्त की जरूरत होती है। हम सितंबर से कांग्रेस पार्टी को और अलायंस पार्टनर्स को कह रहे हैं कि आप लोग सीट शेयरिंग पर बात शुरू करें और 30 सितंबर के अंदर उसको खत्म करें। पर 30 दिसंबर तक भी कुछ नहीं हुआ, जनवरी भी निकल गया, ये सितंबर में बात हो जाती तो मेरा मानना है सीट शेयरिंग की पूरी छवि ही अलग होती। और भी दुर्भाग्यजनक घटना ये है कि बंगाल के कांग्रेस के अध्यक्ष, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं लोकसभा में, जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने किया, जिस तरह के स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आए, वो एक बहुत गलत संदेश गया। देखिए, वोटर कंफ्यूज हो जाता है, वो जब अधीर रंजन जी का प्रेस मीट सुनेंगे, उसको हम क्या मैसेज दे रहे हैं? अधीर रंजन जी की अगर एक बात करें, डज द तृणमूल कांग्रेस स्क्वेयरली ब्लेम हिम फॉर द रिफ्ट बिटवीन द टू पार्टीज इन वेस्ट बंगाल? हमारे राज्यसभा के लीडर ऑफ द फ्लोर डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि, और मैं उसको दोहरा रही हूँ, कि सीट शेयरिंग की बातों में जो बाधाएं आई हैं उसके तीन कारण हैं, और वो तीनों अधीर रंजन चौधरी हैं। बाद में उन्होंने माफी मांगा, कई कुछ कहा, पर देखिए, पब्लिक परसेप्शन इज एवरीथिंग इन पॉलिटिक्स। तो अगर आप पब्लिक परसेप्शन को ही खराब कर देते हैं, आफ्टर ऑल ममता दीदी 3 बारी की मुख्यमंत्री, अगर उनके खिलाफ आप कहते हैं कि ईडी की कार्रवाई बहुत अच्छा कर रही है, कि ममता दीदी के अगेंस्ट, अभिषेक के अगेंस्ट, कि बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल होना चाहिए, तो इस तरह का वक्तव्य अगर कोई इतने वरिष्ठ नेता कांग्रेस के करेंगे तो संदेश पूरा गलत है। तो देखने में आए तो इस पूरे बाधा का कारण
मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी जी हैं। अधीर रंजन चौधरी जी के साथ जो इश्यूज हैं वो टीएमसी टॉप लीडरशिप द्वारा कांग्रेस टॉप लीडरशिप के साथ रेज करने की कोशिश की गई थी पार्टी की तरफ से। मैं आपको ये कह दूं कि एक बार नहीं, बार बार पिछले 4 महीनों से हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं इंटरनली, कांग्रेस की तरफ से उनको चुप कराने के लिए या उनको डिसिप्लिन करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। बल्कि जयराम रमेश जी ने कहीं कहा कि बंगाल के जो स्थानीय लीडर हैं या राज्य स्तर के लीडर हैं, वो बेहतर जानते हैं कि कांग्रेस के लिए क्या अच्छा है। तो उसी से आपको पता लग जाता है कि इंटरनली कांग्रेस में क्या सोच है। राहुल गांधी जी की यात्रा जो जो बंगाल से गुजरी उस वक्त उन्होंने फिर से कहा कि ममता बनर्जी इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। डू यू सी दिस एज एन ऑलिव ब्रांच? बिकॉज मेनी अदर लीडर्स आर ऑल्सो सेइंग कि फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप अभी भी रिपेयर होने की गुंजाइश है। सी वी हैड नथिंग अगेंस्ट राहुल गांधी जी डूइंग अ यात्रा इन अ डेमोक्रेसी, कोई भी कर सकता है। और राहुल गांधी जी ने कहा कि अभी भी रिश्ते कायम हैं, और हम भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए जो भी परिस्थिति तैयार होगी उसमें हम शामिल रहेंगे, बिल्कुल शामिल रहेंगे। और ये ममता दीदी का बड़प्पन है, आप भूलिएगा मत कि खड़गे जी के नाम का प्रस्ताव, चेयरमैनशिप के नाम का प्रस्ताव भी ममता दीदी ने ही किया था। यू आर कॉन्फिडेंट दैट द टीएमसी विल बी एबल टू टेक ऑन द बीजेपी इन वेस्ट बंगाल दिस टाइम? क्योंकि पिछली बार एक इनरोड्स भारतीय जनता पार्टी बनाने में कुछ हद तक कामयाब रही है। आपको लगता है वो मोमेंटम जारी रहा है पिछले कुछ सालों में? और इज इट अ लिटिल टफर देन इट वॉज बिफोर फॉर द टीएमसी? देखिए, टीएमसी को 23 सीटें मिली थी, 23 सीट्स पिछले लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी को करीब 18 सीटें मिली पिछले लोकसभा चुनाव में। उसके बाद आप 2021 के अगर चुनाव को देखेंगे, विधानसभा का चुनाव, उसमें टीएमसी ने अपना पोजीशन बहुत बेहतर किया। पर आप देखेंगे कि तृणमूल का जो संगठन है और तृणमूल के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, वो वेस्ट बंगाल में बहुत पॉपुलर है। ममता दीदी जो बार बार क्षमता में आई है, 3 बार ही मुख्यमंत्री बनी है, उसका कारण उनके वेलफेयर स्कीम्स है। यू नो द इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 7% बीजेपी से, ओके, वेर इज इन बंगाल द इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 8.4%। ये तय है कि बीजेपी की सीटें इस बारी जरूर 100% इस बारी कम होंगे, उनकी संख्या कम होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। डिसीजन में विलंब का आपने जिक्र किया, आपके हिसाब से या तृणमूल कांग्रेस के हिसाब से बाकी कौन से मुद्दे थे जिसकी वजह से इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं खिटपिट देखने को मिलती है? नीतीश कुमार जी का इंडिया अलायंस से हटना एक काफी बड़ा धक्का ऑपोजिशन के लिए माना जाता है। कुछ और नेताओं के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, बातें चल रही हैं, कहाँ एक वेयर डू यू सी द क्रैक्स इन द इंडिया अलायंस? वॉट वेंट रॉन्ग? वॉट कुड हैव बीन बेटर इन टर्म्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द अलायंस? सी, आई थिंक अगर आप नीतीश कुमार जी का देखें ट्रैक रिकॉर्ड, तो आपको पता है कि कितनी बारी वो अपना पक्ष बदल चुके हैं। देखिए, इलेक्शन इज अ गेम ऑफ नंबर्स, इट इज प्योरली अ नंबर गेम। सो आरजेडी का स्ट्राइक रेट हमें लगता है कि जरूर पिछले चुनाव से बेहतरीन रहेगा। सो एज सच आई डोंट थिंक नीतीश कुमार जी एग्जिटिंग, जो बीजेपी सोच रही है कि उसके वजह से पूरा इंडिया अलायंस खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं रही है। आरजेडी इज अ वेरी बिग हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन बिहार। But the way you spoke about perception game earlier, do you not think that Nitish Kumar's leaving did undo everything that the India Alliance had worked for almost for the past entire year? यू सी, नीतीश कुमार जी के एनडीए में जाने से मुझे लगता है बीजेपी का नुकसान हुआ है, और ये बिहार के लोग समझ रहे हैं। आज आप और हम स्टूडियो में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर अगर आप बिहार में जाएंगे जमीनी तौर पे, इससे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी दोनों का नुकसान हुआ है। दैट इज द पब्लिक परसेप्शन। टीएमसी वेस्ट बंगाल में सोलो जाने की बात कर रही है, क्या आसाम में भी टीएमसी का यही स्टैंड होगा? देखिए, अगर अलायंस नहीं रहा तो ममता दीदी ने 4 सीटों की मांग की थी,
हम ये भी कह रहे हैं आसाम के लिए और मेघालय के लिए कि हम कोशिश करेंगे, हम उन्हीं सीटों पे लड़ेंगे जहां हमारी सांगठनिक कैपेसिटी है। हमारा लक्ष्य कांग्रेस को या किसी और सेक्युलर पार्टी को बिल्कुल ही हार्म करने का नहीं है, नुकसान पहुंचाने का नहीं है। और जिन 4 सीटों की मांग हमने आसाम में की थी अलायंस के सीट शेयरिंग के टाइम, उन 4ों सीटों पर कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बार बार हारी है। Deviating from politics a little bit and coming to you, you were with the Congress before. Now you are with the Trinamool Congress, and there was quite a bit of shock when you left the Congress party. How do you look back on your move today? My reasons for leaving the Congress is the way the 2021 assembly election of Assam was fought. My reasons were very regional, it was not national. And I will say that after the 2024 results, when you see the results in Assam, give me a call, you have my number, and you'll tell me that Sushmita, you took the right decision. You see, my fight is with the BJP, it's an ideological fight. So when I see compromises being made on ideology and compromises being made at individual levels at the cost of the party, that's definitely something that I didn't sign up with. And I stand by that. Do you think things have changed after Mr. Khadge has taken over? Very difficult question. I mean, all I'll say is that what is not clear in the Congress party is who's the face of the Congress party? Is it Rahul ji? Is it Kharge ji? Is it Priyanka ji? Who's the face of the Congress party? So that, to my mind, is not clear to the people, and neither is it clear to me. आपको लगता है इंडिया अलायंस को भी एक फेस की जरूरत है इस क्लैरिटी और इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए? Definitely, and I think the timing has to be different. You see, when you decide a face inside a party, you have no obstacle. It's an internal decision. So Congress has no excuse to say that who is their face of the party. But when it comes to an alliance, the timing is very important. If you mistime it and you misfire and you fire before, then it can go wrong. But that can't be said about, can today Trinamool say that we don't know who's the Chief Minister of Bengal, whether it's Abhishek or whether it is Mamata or whether it is I don't know who? You can't say that. Internally, you have to have clarity. On a lighter note, that just takes me to the Shiv Sena and the NCP, because there was a time when it was said that you can't imagine these two parties without Uddhav Thackeray or Sharad Pawar, but we all see what has happened today. But as not a spokesperson or a leader of a party, if you had to pick a face from the India Alliance, who would it be? Obviously, I would want my leader to become the prime minister, but then I'm sure that I am not going to be a part of that negotiation or discussion. So it's a hypothetical question. सुष्मिता जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और बड़ी बड़ी बातें पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच, इट वॉज एन एब्सोल्यूट प्रेजर. थैंक यू.